सॉल्व एग्जाम्पल थ्री, पेज नंबर वन ऑफ योर वेरी फर्स्ट चैप्टर स्टूडेंट्स. लेट्स सी द सम. अ हाउस वॉज सोल्ड थ्रू एन एजेंट फॉर रुपीज 60 लैक्स. एजेंट घर बेचता है 60 लैक्स में. ओके. ही चार्ज 1% कमीशन फ्रॉम बोथ बायर एंड सेलर. बायर से भी 1% चार्ज कर रहा है और सेलर से भी 1% चार्ज कर रहा है. कैलकुलेट एजेंट कमीशन. पहला चीज जो फाइंड करना है हमें, क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स? कैलकुलेट एजेंट कमीशन पहली चीज फाइंड करनी है, ठीक है ना. मैं हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पर. नेक्स्ट, कैलकुलेट द नेट अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलर. तो नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करना है? अमाउंट रिसीव्ड बाय द सेलर, ठीक है. और थर्ड चीज पूछिए अमाउंट पेड बाय बायर. तो बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन तीन पूछी हुई है, ठीक है. तो सबसे पहले हम नोट डाउन कर देंगे इन्फॉर्मेशन. सेलिंग प्राइस क्या था घर का? सेलिंग प्राइस ऑफ अ हाउस बाय एजेंट कितना है? 60 लैक्स, ठीक है. नेक्स्ट स्टेप पे हम कमीशन फाइंड करेंगे. बायर से उसने कितना कमीशन लिया और सेलर से कितना कमीशन लिया. 1% होगा 60 लैक के ऊपर स्टूडेंट्स, ठीक है. दोनों भी केस में कमीशन चार्ज बाय हिम मतलब एजेंट टू बायर इक्वल टू 60 लैक्स इंटू 1/100 डेट इज 1% इक्वल कम्स टू 60,000. कमीशन चार्ज बाय हिम टू सेलर ऑन 60 लैक एट द रेट ऑफ 1% विच कम्स टू 60,000. स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें हमारा पहला आंसर मिल जाएगा, ठीक है. कैलकुलेट कमीशन एजेंट्स कमीशन. तो कमीशन जो एजेंट का जो कमीशन होगा वो इन दोनों का टोटल होगा. ओके स्टूडेंट्स, तो टोटल जो कमीशन मिला एजेंट को वो कितना मिला ये ट्रांजेक्शन में? 60,000 प्लस 60,000 विच कम्स टू 1,20,000, ठीक है. अभी हम फाइंड करेंगे कि सेलर को कितना मिला. सेकंड क्वेश्चन ये पूछा था कि सेलर को कितना मिलेगा. तो ये केस में सेलर को हम क्या करेंगे, डेफिनेट जब हम सेल करेंगे तो सेलर को अमाउंट देने के पहले, ओके, सेलर को अमाउंट देने के पहले हम जो कमीशन है वो काट देंगे. काट के फिर ऊपर का अमाउंट हम सेलर को देंगे. ओके. तो 60 लाख में से 60,000 माइनस करेंगे तो अमाउंट कितना आएगा? 59,400. 59,40,000 अमाउंट हम सेलर को यहाँ पर देंगे. ओके. नेक्स्ट, अमाउंट पेड बाय बायर. बायर को कितना पे करना पड़ेगा? बायर जो क्योंकि घर खरीद रहा है उसको 60 लाख में ट्रांजेक्शन हुआ, 60 लाख तो पे करना पड़ेगा स्टूडेंट. साथ साथ में एजेंट को उसकी सर्विस के लिए भी पे करना पड़ेगा. तो ओवरऑल एजेंट को 60,60,000 पे करना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स. ओके, थैंक यू.